गणतंत्र परेड होती है, हर साल होती है, लेकिन भारत के इतिहास में पहली बार ये गणतंत्र परेड जो है किसान कर रहे हैं। लगभग 3.5 लाख ट्रैक्टर जो रहा इस परेड में सभी बॉर्डरों पर हिस्सा ले रहे हैं। पूरा जो है पंजाब का, हरियाणा का, पूरे भारत का किसान, यूपी का, राजस्थान का किसान है जो आज दिल्ली के आसपास के जितने बॉर्डर हैं सभी पे आके सरकार को जगाने का काम कर रहा है। मेरा नाम गुरजेंद्र सिंह है, मैं पंजाब के पटियाला ज़िले के गनौर हल्के से आता हूँ और एक किसानी आंदोलन का मैं भी किसान हूँ। ये सभी भाई मेरे किसान हैं। ये किसानी है जो हमारी पंजाब की जड़ है। हम किसानी के अलावा और कुछ सोच भी नहीं सकते। देखिए, जब कोरोना के अंदर हमारी GDP सबसे नीचे जा रही थी तो एक कृषि सेक्टर था जिससे 4 पॉइंट हमारी जो GDP आ पाई थी। ये आंदोलन पंजाब में हमने 5 जून से स्टार्ट किया था। उसके बाद हमें 2 महीने लगातार हम पंजाब के अंदर जाके जो रेल की पटरी पे बैठे थे सरकार को दिखाने के लिए कि ये गुंगी बहरी सरकार है, ये जाग जाए। 26 नवंबर से हम लगातार यहाँ सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं। जब हमें ये बिल चाहिए नहीं, सरकार हमें कह रही है कि एक बिल किसान के फ़ायदे का है, हमें बोल रहे हैं कि हमें फ़ायदा नहीं चाहिए, तो सरकार क्यों अड़ी हुई है इस पर कि ये बिल हमारे पे लगाना है? क्योंकि ये बिल सरकार ने जो बनाया, 2 कॉरपोरेट घराने हैं, अंबानी और अडानी, उनके लिए ये बिल बनाया है। राजा की जान तोते में होती थी, अब ये मोदी की जान जो है वो अडानी के जेब में है। यही हम कहना चाहते हैं कि मोदी जी को कुछ सोचना चाहिए। प्रधानमंत्री है, काले कानून वापस लें और देश के बारे में सोचे, सिर्फ अडानी और अंबानी के बारे में ही नहीं सोचे। किसानों भाइयों को देखने आए क्योंकि इनका जोश देख के हमें भी जोश आ गया कि हम भी चाहते हैं कि ये जीत जाएं, हार के ना जाए, जीत जाएं। Just want to say, ये जो खालिस्तान खालिस्तान हो रहा है, they are not खालिस्तान, they are खालसापन, जो गुरु गोविंद सिंह जी ने सजाया, and we are totally totally with them। अगर किसान नहीं होगा तो हम खाएंगे क्या? हमें किसानों का सपोर्ट देने के लिए आए हैं। लिटरली रियल रिपब्लिक डे ये है, लिटरली टू बी वर्थ वॉच, ये रिपब्लिक डे है। अफसोस कि आज देश की राजधानी दिल्ली में किसानों ने गणतंत्र दिवस के दिन लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया। सुरक्षा की तमाम चिंताओं के बाद भी पुलिस ने किसानों को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड निकालने की अनुमति दी थी, लेकिन उस परेड के नाम पर क्या हुआ ये आज पूरे देश ने देखा। सारे नियम, सारे रेगुलेशन सबको धराशायी किया गया। Absolute anarchy as protesting farmers stormed the national capital during the tractor rally. Over 80 policemen injured as Red Fort is desecrated by protesters. 15 companies, paramilitary forces deployed in the national capital. राजीपुर बॉर्डर के पास किसान रैली को लेकर के इस समय बिल्कुल हंगामेदार माहौल है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली तस्वीर आई उस लाल किले से जो देश की शान है। जहां तिरंगा लहराता है वहां इन उपद्रवियों ने पीले रंग का ये झंडा लहरा दिया।
असा निकले आ छड़ सारी फिकरा गांदे आ जालिम वापस जाओ 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 मिट्टी दे कण कण विच्चों है आंदी ऐही गूंज ऐ जालिम वापस जाओ सानू आ केरण स्याकाली राता ऐही सवेर दी पुकार वापस जाओ 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 जागी अवामुन खैर मनाओ सब दी ऐही हुंकार वापस जाओ।